हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सी लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रिंग कांस्टेंट। बच्चों, स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलें या इसको एक ना और नाम से हम जानते हैं, हम स्ट्रिंग लिटरल अगर हम बोलें, बच्चों आज के टॉपिक में हम स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। इसके नाम से पता चल रहा है, अ स्ट्रिंग दैट इज कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, सी लैंग्वेज के बाद अगर हम बात करें तो किसी स्ट्रिंग को हम कैसे बनाते हैं, कोई भी स्ट्रिंग होगी तो वो इस डबल कोट्स के अंडर होती है, ऐसा STRING स्ट्रिंग, ये बच्चों डबल कोट्स के अंदर होगी, वो हमारे पास स्ट्रिंग होती है। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग एक्चुअली में है क्या हमारे पास? बच्चों, स्ट्रिंग हमारे पास एक कैरेक्टर ऑफ एरे है ना। सॉरी, अगर हम बोलें द एरे ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का एरे। अब इसको अगर हम ये देखें बच्चों, हमारे पास एक कैरेक्टर एरे था। बच्चों, ये हमारे पास एक कैरेक्टर एरे था, स्ट्रिंग हमारे पास एक कैरेक्टर एरे था। यहाँ पर एक एक कैरेक्टर हमारा इस तरह से स्टोर है, और ये जो हमारा जो स्ट्रिंग है ये टर्मिनेट कहाँ पर होगा, उस चीज़ का उसका हमें कहाँ से पता चलता है? बच्चों, हमें उस चीज़ का पता चलता है इस नल कैरेक्टर से। ये नल कैरेक्टर देखकर हमें ये चीज़ पता चलता है, या हम बोले हमारे कंपाइलर को ये चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई। बच्चों, नॉर्मली ये हमारे पास जब हम बोलें तो ये नल कैरेक्टर है, ये हमारे पास नल कैरेक्टर है। इसको जो हमारे पास ज़ीरो कैरेक्टर है, ज़ीरो, उसके साथ कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। बच्चों, जो नल कैरेक्टर होता है इसका अगर हम एस्काई वैल्यू की बात करें, जो नल कैरेक्टर है हमारे पास, इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। जो एक्चुअल में हमारे पास ज़ीरो कैरेक्टर है बच्चों, उसकी वैल्यू हमारे पास 48 होती है। तो इस नल कैरेक्टर को और ज़ीरो को हम कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो नल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास, ये जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसे अगर बच्चों हम बात करें, अगर हम इस डबल कोट को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दें, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास नल स्ट्रिंग है, यानी कि ये सिंपल हमारे पास क्या होगा बच्चे, ये स्ट्रिंग हमारे पास सिंपल ऐसे कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग थी ये नल स्ट्रिंग है बच्चे, ये हमारे पास, हम इसको इस तरह से बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर इस स्ट्रिंग का बच्चों, अगर हम स्ट्रिंग लेंथ चेक करें, अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ चेक करें कि मीन्स यहाँ पर इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स थे, तो बच्चे यहाँ पर जो स्ट्रिंग लेंथ जो फंक्शन है हमें क्या आउटपुट देने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर बच्चे हम साइज़ की बात करेंगे, यहाँ पर साइज़ ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें, तो साइज़ ऑफ फंक्शन हमें यहाँ पर क्या देने वाला है आउटपुट में, 7 देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नल कैरेक्टर भी हमारा यहाँ पर स्टोरेज यानी कि 1 बाइट के अंदर यहाँ पर स्टोर है। बच्चों, यहाँ पर हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट में स्टोर है। जनरली मोस्ट ऑफ द मशीन्स पे बच्चे आपको यही चीज़ मिलने वाली है, कैरेक्टर हमेशा 1 बाइट पे ही दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। देन इसके बाद अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास ये जो स्ट्रिंग थी बच्चों, 1001, 1002, 1003, 1004, इस तरह से ये बच्चे हमारे पास ये मेमोरी एड्रेसेस थे, जहाँ पर ये हमारे स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर जो स्टोर है। अगर हम यहाँ पर इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहें, सपोज बच्चे अगर हम यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर बच्चे इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर बच्चे, प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास होगा, जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास होगी, वो क्या पास होगा, एक एक पॉइंटर पास होगा, एक पॉइंटर पास होगा बच्चे हमारे पास यहाँ पर, एक पॉइंटर पास होगा, एक एड्रेस पास होगा, और वो एड्रेस किसका होगा बच्चे, वो एड्रेस होगा इस फर्स्ट कैरेक्टर का, जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है उस स्टार्टिंग कैरेक्टर का एड्रेस जो होगा वो हमारे पास यहाँ इस एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पर वो एड्रेस पास किया जाएगा। फिर एक एक करके हमारे पास एक एक कैरेक्टर यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, कहाँ तक, जब तक ये नल वैल्यू नहीं मिलती हमें। अगर बच्चों हमारी स्ट्रिंग के बीच में अगर स्पेस हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें प्रिंट एफ CSC स्पेस सब्जेक्ट वाइज, तो बच्चों ये भी हमारे पास एक्चुअली क्या है, ये भी हमारे पास करेक्टर एरे ही है।
ये बच्चों हमारे पास अगर इसको हम एरे में लिखे तो इसको कैसे लिखेंगे हम बच्चों? ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, हमारे पास ये सी एस सी सब्जेक्ट वाइज, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमारे पास क्या है बच्चे? एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ये हमारे पास सी एस सी सब्जेक्ट वाइज। अगर बच्चे हम किसी करेक्टर एरे को अगर हम यहाँ पर इनिशलाइज करना चाहें, हमारे पास करेक्टर ए, हमारे पास एक करेक्टर एरे था बच्चों, उसको हम कैसे इनिशलाइज कर सकते हैं? हमारे पास डायरेक्टली हमने इस तरह से लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिख दी, या फिर उसको हम बच्चे करेक्टर ऑफ एरे, हम उसको एक एक करेक्टर इंडिविजुअल हम एक एक करेक्टर इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़, दोनों नोटेशन बिल्कुल सेम है, और मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होंगी बच्चे? इस तरह से स्टोर होंगी ये हमारे पास, ये दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है बच्चे हमारे पास। करेक्टर एरे, एक एक करेक्टर हम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली स्ट्रिंग लिख दिया तो एक ही बात है बच्चे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और, हमें यहाँ पर एक नल करेक्टर यहाँ पर अब अपेंड करना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग लिखेंगे तो वहाँ पर हमें नल करेक्टर खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। अब यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर हमारे पास एक नोटेशन इस तरह से है, कैर ए एक करेक्टर एरे था हमारे पास, दैट इज़ उसको हमने इनिशियलाइज किया गेट 2021, ये हमारे पास करेक्टर एरे था। एक हमारे पास एक और नोटेशन है, उसको हम अगर इस तरह से लिखते हैं, कैर स्टार पी इज इक्वल टू गेट 2021। तो बच्चों देखो, ये चीज़ें दोनों हमारे पास बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ पर गेट 2021 एक स्ट्रिंग है हमारे पास, यहाँ पर जो गेट 2021 है ये भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो हम समझ के देखते हैं बच्चों। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये जो लाइन मुझे दिख रही है, ये जो लाइन मुझे दिख रही है, ये क्या चीज़ है बच्चे? ये हमारे पास, इसको हम कैसे रीड करेंगे? ए हमारे पास एक करेक्टर एरे है, ए हमारे पास एक करेक्टर एरे है जिसका जो कंटेंट है एरे ए, ये है बच्चों हमारे पास। एरे ए का कंटेंट क्या है? ये है। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो चीज़ है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ये हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या है? ये जो इनिशियलाइजेशन है ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल हम बोलें या स्ट्रिंग कांस्टेंट है बच्चों हमारे पास। अब ये देखिए बच्चों, हमारे पास ए कैरेक्टर एरे था बच्चों, ए हमारे पास यहाँ पर ये कैरेक्टर एरे था, ए हमारे पास कैरेक्टर एरे है ये। लेकिन ये जो चीज़ है बच्चों, ये हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग लिटरल है। अगर हम इस एरे में ये जो कंटेंट है, इस एरे का कंटेंट यहाँ पर किसी भी वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हम इस एरे के नाम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ ए ऑफ टू, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर टी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर इस स्ट्रिंग कांस्टेंट का अगर हमें कोई कंटेंट या इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो यहाँ पर इसका कुछ नाम नहीं है, तो बच्चे इसको हम किसी पॉइंटर की हेल्प से ही एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंटर, आई मीन इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है, इसका एड्रेस कितना है बच्चों? इसका एड्रेस हमारे पास है 2000। तो पी हमारे पास एक क्या है बच्चों? पी हमारे पास एक कैरेक्टर पॉइंटर है, पी हमारे पास एक कैरेक्टर पॉइंटर है, और ये इस कैरेक्टर का एड्रेस हम इस पी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास ऊपर लिखा है ये एक एरे है, इस एरे का नाम ए है बच्चों, ये भी एक एरे है, कैरेक्टर है ना, एरे, ये भी एक एरे है बच्चों, ये एरे है लेकिन इस एरे का कोई नाम नहीं है, सिंपल इतनी सी बात है। ये भी एक एरे है, इस एरे का कोई नाम नहीं है, इस एरे का नाम ए है, तो इस एरे को हम इसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं। इस एरे का कोई भी नाम नहीं है तो इस एरे को एक्सेस करने के लिए हम अलग से पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। अब एक चीज़ और देखो बच्चों, यहाँ पर जब ये एरे हम बनाएंगे तो इसको जो मेमोरी एलोकेट होगी हमारे पास, जो इसको हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो रही है वो स्टैक से हो रही है, और यहाँ पर इस तरह से जब हम डिक्लेरेशन करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो हमारे पास रीड एंड राइट दोनों परमिशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर इस तरह से इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो देखो बच्चों, ये जो कैर स्टार पी,
ये जो करेक्टर वेरिएबल पी है, करेक्टर पॉइंटर वेरिएबल पी है, इसको तो मेमोरी स्टैक से मिलेगी, लेकिन बच्चों इसको जिसको हम कह रहे हैं जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसको हमारे पास जो मेमोरी मिल रही है वो हमारे पास कोड सेक्शन, कोड सेक्शन हम बोले, या बच्चों एक ऐसा एरिया जहाँ पर सिर्फ रीड ओनली परमिशन यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर तो रीड और राइट दोनों परमिशन अवेलेबल थी, यहाँ पर जो है सिर्फ रीड ओनली परमिशन है हमारे पास। इसका मतलब अगर मैं इस एरे का कंटेंट चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ हम अगर यहाँ लिखते हैं ए ऑफ टू इज इक्वल टू पी या ए ऑफ टी इज इक्वल टू टी कर दें, सॉरी ए ऑफ टू इज इक्वल टू अगर बच्चों हम एफ कर दें सपोज, तो ए ऑफ टू यहाँ पर इस टी की जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पी ऑफ टू इसको अगर हम एफ करने लगें, इसको अगर हम एफ करने लगें तो बच्चों यहाँ पर एरर आ जाएगा कि हमारे पास सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, या अनडिफाइंड बिहेवियर भी हम इसको कहते हैं बच्चे। हम रीड ओनली मेमोरी या स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का हम कंटेंट चेंज नहीं कर सकते बच्चों, हम इसका कंटेंट चेंज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर बच्चों अगर हम यहाँ पर एक और ऑपरेशन परफॉर्म करें, अगर हम यहाँ पर इस एरे ए के लिए हम ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, तो बच्चों एरे के लिए ये ऑपरेशन इनवैलिड है, या हम कहें यहाँ एरर आ जाएगा। हम कभी भी एरे का बेस एड्रेस चेंज नहीं कर सकते बच्चों, एरे का बेस एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। इस एरे ए को जो मेमोरी एलोकेट हुई है, जो जो भी मेमोरी लोकेशन यहाँ पर एलोकेट हुई है वो वहीं पर रहेगा, उसकी मेमोरी एलोकेशन या हम जो बेस एड्रेस है एरे का वो हम चेंज नहीं कर सकते। दैट इज बच्चों हम यहाँ पर इस एरे के जो इंडिविजुअल कंटेंट्स है उनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम इस एक और ए को कॉल करेंगे या जब भी हम इस ए को कंसर्न करेंगे तो बच्चों हमारे पास यही सेम मेमोरी रेफर होगी जो इस एरे ए को स्टार्टिंग में मिली थी। इसके ऑपोजिट बच्चों अगर हम यहाँ पर पी को चेंज करना चाहें, पी इज इक्वल टू पी प्लस वन, तो बच्चों पी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि पी हमारे पास एक यहाँ पर पॉइंटर है बच्चों, पॉइंटर का हमने अपडेशन पढ़ा था कि पॉइंटर को अगर हम अपडेट करते हैं, अगर सपोज पी इज इक्वल टू पी प्लस वन, सो व्हाट इज पी 2000, तो 2000 प्लस वन मीन्स स्किप वन एलिमेंट, अगर वन एलिमेंट स्किप करेगा तो ये 2001 अब यहाँ पॉइंट करेगा बच्चों, अब ये कहाँ पॉइंट करेगा, इस कैरेक्टर को, नेक्स्ट कैरेक्टर को ये पॉइंट करेगा। तो बच्चों हम यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें, हम स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर बच्चों हम स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका जो बेस एड्रेस है यानी कि सिंपल पॉइंटर का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम एरे की बात करें बच्चों, अगर हम एरे की बात करें तो एरे का हम बेस एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। जो मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी इसको एलोकेट हुई है एरे को, वो वही रहने वाली है। लेकिन एरे का अगर हम कंटेंट की बात करें बच्चों, तो एरे का हम कंटेंट चेंज कर सकते हैं। देन दूसरी चीज बच्चों, अगर हम यहाँ पर साइज चेक करें, साइज दैट इज साइज ऑफ ए बच्चों, साइज ऑफ ए अगर मैं एरे का नाम लिखता हूँ, एरे का नाम मीन्स एरे का बेस एड्रेस, अगर बच्चों मैं साइज ऑफ ए की बात करूँ, तो जब तक मेरे पास यहाँ नल कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक ये पूरा एरे बच्चों, इस एरे का साइज क्या है हमारे पास, हमें ये बताना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो साइज है बच्चों, साइज यहाँ पर एरे के अंदर बच्चे कितने कंटेंट, कितने एलिमेंट है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 बच्चों, यहाँ पर साइज ऑफ ए अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 9 आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये लिखें बच्चों साइज ऑफ पी लिखें, तो पी अब यहाँ पर इस स्ट्रिंग का साइज नहीं बताने वाला हमें, इस तरह से अगर यहाँ पर लिखा है तो बच्चे साइज ऑफ पी की बात की, यानी कि पी हमारे पास, पी जो वेरिएबल है बच्चों, पी वेरिएबल जो है ये इसका साइज पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास सिंपल अगर हमारे पास एक एड्रेस जो है बच्चों, पी हमारे पास क्या स्टोर कर रहा है, एक एड्रेस स्टोर कर रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमारी मशीन पर एक एड्रेस स्टोर करने के लिए 4 बाइट यूज़ होते हैं,
तो यहाँ पर ये जो साइज ऑफ पी है वो 4 बाइट आने वाला है हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में। इसके साथ ही बच्चों सपोज ये हमारे पास 3000 एड्रेस पर था, इसके अंदर जो एड्रेस था वो 2000 था, ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। बच्चों अगर हम ए लिखते हैं, अगर हम बात करें प्रिंट एफ ए, तो यहाँ पर ए, या अगर हम बात करें प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए, तो दोनों चीज़ सेम है बच्चों। एरे का नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या आने वाली हैं, 1000 आने वाली हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रिंट एफ पी, तो वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल दैट इज 2000। अगर हम बात करें प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ पी, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हमारे पास 3000 आएगी। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस है बच्चे। अगर हम ए और एंड ए लिखें सेम चीज़ है, लेकिन अगर पी और एंड पी लिखते हैं तो दोनों बात यहाँ पर अलग है बच्चों। बच्चों फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एरे ए जो है एक एरे है, ये जो है कि एरे है जिसका नाम ए है, ये भी एक एरे है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको हम जस्ट एक पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं सिंपल। अब देखिए बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल के हम यहाँ बात कर रहे हैं। सपोज हमारे पर कैर स्टार ए, ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग कांस्टेंट था इस बार, और कैर स्टार पी, ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अगर हमारे पास यहाँ इस तरह से बच्चों, हमारे पास एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है ए, इसको पॉइंट कर रहा है 1000 एड्रेस से, ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है पी पॉइंटर, इसको पॉइंट कर रहा है बेस एड्रेस इसका 2000 हमारे पास यहाँ पी में स्टोर है। अब मेन फंक्शन के अंदर क्या पूछता है, इफ ए इज इक्वल टू पी, तो प्रिंट एफ सी एस सी, एल्स प्रिंट एफ सब्जेक्ट वाइज। और बच्चों देखो जब भी हमें ये पता है ए और पी दोनों ही नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, बस वेरिएबल का नाम मीन्स वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। तो बच्चों यहाँ पर व्हाट इज ए, व्हाट इज ए दैट इज 1000, वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। व्हाट इज पी, वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल दैट 2000 हमारे पास है। दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू पी, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इस बार सब्जेक्ट वाइज प्रिंट होगा। अगर इस केस को अगर हम चेंज करें बच्चों, अगर हम यहाँ ये लगा दें स्टार एंड स्टार, तो अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, व्हाट इज ए 1000, सो वैल्यू एट 1000 क्या है बच्चों, कैपिटल जी। व्हाट इज पी 2000, सो वैल्यू एट कैपिटल, वैल्यू एट 2000 क्या है बच्चों, वो भी कैपिटल जी है। तो इस बार हमारे पास यहाँ पर जो आउटपुट आने वाला है वो सी एस सी प्रिंट होगा बच्चों इस बार हमारे पास।